हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस टेक जीएनटी। और गाइस, जैसा कि आपको पता है, कल ही रेडमी नोट 7 प्रो में हमें एक न्यू अपडेट देखने को मिला था, जिसका ही गाइस वर्जन है 10.3.7.0। और गाइस, मैंने इस अपडेट को अपने डिवाइस में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, जैसा ही गाइस आप देख सकते हो। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस अपडेट के कुछ मेजर चेंजेस के बारे में। साथ में गाइस, मैं आपको इस अपडेट के दो बग्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यार बग्स के बारे में आपको किसी ने भी नहीं बताया। तो गाइस, इस अपडेट के मैं सारी चीज आपको बताऊंगा, कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से बग्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइस, वीडियो पूरा देखना, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार उससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस अपडेट के बाद जो आपको फर्स्ट चेंज देखने को मिलता है वो मिलता है सेटिंग्स में। जब सेटिंग्स को ओपन करोगे और गाइस, जो यहाँ पे अबाउट फोन है उसमें यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा 10.3.7। तो गाइस, इस अपडेट से पहले बस आपको यहाँ पे 10.3 तक डिस्प्ले होता था, और 3 पॉइंट के बाद जो होता था, जैसे 0.5, 0.7, 0.9, वो डिस्प्ले नहीं होता था। पर गाइस, अब पूरा ही डिस्प्ले होता है जो भी अपडेट का वर्जन है। तो गाइस, इस चेंज से आपको ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर इस अपडेट का ये चेंज आया था उसने मैंने आपको बता दिया। तो सेकंड चेंज आता है एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल। तो गाइस, शाओमी ने एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 मई का कर दिया है, तो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच को भी अपडेट करा है। और शाओमी की यही बात मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है कि यार वो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच को हमेशा अपडेटेड रखती है। और गाइस, जो नेक्स्ट चेंज आपको इस अपडेट के बाद देखने को मिलता है वो यार आपको सेटिंग्स में जाके आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, डिस्प्ले पे जाना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो डार्क मोड का ऑप्शन ऐड हो चुका है। तो जैसे आप डार्क मोड अनेबल कर दोगे तो पूरी स्क्रीन यार ब्लैक हो जाएगी, और इससे यार बहुत सारे आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यार आपकी जो आईज पे स्ट्रेन है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है और बैटरी ड्रेनिंग इश्यू भी कम हो जाती है। अगर आपकी बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन होती है तो आप डार्क मोड जरूर से अनेबल रखना। और वैसे बहुत सारे एप्स पे वर्क करता है और बहुत सारे पे नहीं करता, जैसे कि आप देख सकते हो कॉन्टेक्ट में वर्क कर रहा है और सब कुछ यार ब्लैक हो चुका है। और साथ में मैसेजिंग वाले ऐप पे भी वर्क करता है, कैलकुलेटर पे भी वर्क करता है, और जो इसका नेविगेशन मेन्यू है इस पे भी यार ये वर्क करता है। पर गाइस, बहुत सारी ऐप है जिसपे वर्क नहीं करता, जैसे यार ब्राउजर हो गया, इस पे वर्क नहीं करता, जबकि ये शाओमी की ऐप है। साथ में यार जो प्ले स्टोर है इस पे भी वर्क नहीं करता। तो यार अभी इसमें और भी चेंजेस लाना बाकी है, तो यार तब तक के लिए मैं आपको नेक्स्ट फीचर बताता हूँ जो इस अपडेट के बाद आया है। जैसे आप इसे बंद करोगे और गाइस अपने डिवाइस को चार्ज में लगाओगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ज में लगाते ही इसकी जो एनिमेशन आएगी वो काफी ज्यादा अमेजिंग आएगी, जैसा कि आप देख सकते हो कितनी अच्छी एनिमेशन आ रही है। पर गाइस, इसे एक बार बंद करके आप फिर से अगर ऑन करोगे तो फिर से वो एनिमेशन नहीं आएगी। तो फर्स्ट टाइम जैसे आप लगाओगे तभी एनिमेशन आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी यार काफी अमेजिंग फीचर था। और गाइस, इस अपडेट का जो यार नेक्स्ट चेंज है वो इसके कैमरा ऐप में। जब आप इसे कैमरा ऐप को ओपन करोगे तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे यार फोटो के साथ साथ 48 मेगापिक्सल का एक अलग से सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आप सीधा क्लिक करके 48 मेगापिक्सल की फोटोज खींच सकते हो, वो यार बड़े आसानी से आप 48 मेगापिक्सल की फोटो खींच सकते हो। पर गाइस, अभी भी इसमें लोडिंग टाइम काफी ज्यादा लग रहा है, मतलब 3 से 4 सेकंड लोडिंग टाइम लग रहा है। और गाइस, साथ में अगर आप फोटो पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से यार 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन जा चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे एड हो चुका है। साथ में यहाँ पे यार अगर आपको स्क्वायर में फोटो लेनी है तो स्क्वायर का भी ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे कहीं भी नहीं है। स्क्वायर का ऑप्शन पहले था पर यार अब नहीं है, तो आप स्क्वायर की फोटोज यहीं से ले सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो 1:1 यहाँ से आप स्क्वायर की फोटोज ले सकते हो। तो यार ये अच्छा फीचर मुझे लगा, क्योंकि यार ऊपर ही ऐड कर दिया गया है। साथ में आप प्रो मोड पे जाके 48 मेगापिक्सल की फोटो ले सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन आ रहा है। तो वह सारी चीजें देख सकते हो, कैमरा में पूरी चेंज हो चुकी है। साथ में यार कैमरा में एक और अच्छा फीचर आया है जो कि हमें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब कैमरा की सेटिंग्स पे जाओगे तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इसका कैमरा फ्रेम है उसे आप चेंज कर सकते हो, और यार कैमरा फ्रेम में फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन ऐड हो चुका है, जो कि यार पहले नहीं था। फुल स्क्रीन से होगा ये, जो आप यार पूरे स्क्रीन पे फोटोज ले सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये फुल स्क्रीन की फोटोज आ रही है, जो यार काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप इसे क्लिक करोगे तो पूरे स्क्रीन पे क्लिक होगी, जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरे स्क्रीन पे क्लिक हो रही है। तो आपको अगर कोई बड़ी इमेज लेनी हो तो काफी अच्छा रहता है। साथ में बैक के साथ साथ फ्रंट में भी आता है, तो देख सकते हो बैक के साथ ही फ्रंट में भी आता है फुल स्क्रीन, तो काफी ज्यादा ये अच्छा है। और गाइस, कैमरा ऐप तो यार काफी ज्यादा मजेदार हो गया है। अब मैं आपको कुछ नेक्स्ट चेंज के बारे में बताता हूँ। तो नेक्स्ट चेंज यार इसके रिकॉर्डर वाले ऐप में है। जैसे आप इसका रिकॉर्डर वाला ऐप ओपन करोगे तो आप यहाँ पे इसका यूआई देख सकते हो, पूरा चेंज हो चुका है। चेंज ऐसे हुआ, जब इसके रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे
तो देख सकते हो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। पहले यार ये MIUI 9 की तरह था, पर गाइस देख सकते हो अभी ये यार ऐसे ऐसे करके आता है, इसका UI पूरा चेंज हो चुका है और ये MIUI 10 में कुछ नया फीचर हमें देखने को मिला है। साथ में गाइस इसमें एक जो यार बग मिला मुझे रिकॉर्डर ऐप में, जो कि मैं आपको दो बग के बारे में बता रहा था, वो ये है अगर आप इसे यहाँ से उड़ा दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब हमें टाइम नहीं दिख रहा है, टाइम की जगह ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो उसकी वजह से हम टाइम नहीं देख पाएंगे। पर इसे जैसे आप पॉज करके स्टॉप कर दोगे, जैसे मैं ओके कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो आसानी से आप टाइम देख सकते हो। तो गाइस ये तो पहला बग था, अब मैं आपको दूसरे बग के बारे में बताता हूँ। और गाइस जो है नेक्स्ट बग है, इसका जो सेकंड बग है वो इसकी सेटिंग में, जब आप इसकी सेटिंग में जाओगे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे डुअल एप्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो डुअल एप्स देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड, फिर डुअल एप एंड सपोर्ट। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो विदाउट डार्क मोड के काफी अच्छा चल रहा है, डुअल एप्स एंड सपोर्ट ऊपर ही आ रहा है और ये काफी अंदर से जा रहा है। पर अगर आप इसमें यार डार्क मोड ऑन कर देते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप इसमें डार्क मोड ऑन कर दोगे, मैंने डार्क मोड ऑन कर दिया है, अब जाते हो यार मैं ड्यूअल एप्स पे, तो जैसे कि मैं आपको दिखाया, तो अब मैं जाता हूँ ड्यूअल एप्स पे, तो ड्यूअल एप्स कहाँ गया, तो यहाँ पे मैं ड्यूअल एप्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिकमेंडेड, देख सकते हो ड्यूअल एप एंड सपोर्ट है इसके ऊपर से ही जा रहा है और इसमें पूरा यार इनविजिबल है और ड्यूअल एप एंड सपोर्ट देखिए इसके ऊपर से ही जा रहा है, अभी थोड़ा वो होता है ओवरलैप हो जाता है ऊपर। तो यार ये भी यार थोड़ा सा मुझे मेजर वो बग लगा, अगर कोई चला रहा है तो यार उसमें थोड़ी ज्यादा इरिटेशन होती है, क्योंकि यार ये जो ड्यूअल एप्स एंड सपोर्ट है आप अगर ध्यान से देखोगे ये Antutu के ऊपर ही आ रहा है, तो यार काफी ज्यादा मुझे बेकार लगा है, क्योंकि यार ये भी एक बग है, अगर आप फिर से इसे चेंज कर दोगे तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम्स थी वो दो बग यही थे और जो चेंजेस थे मेजर वो तो मैंने आपको बता ही दिए। पर गाइस मुझे एक और चेंज देखने को मिला है, वो इसके फाइल मैनेजर में, शायद ये पहले था या नहीं, तो यार रिमोट और FTP का ऑप्शन आ चुका है। अगर ये पहले होगा तो यार कोई नहीं यार सॉरी, मैंने आपको पहले नहीं बताया हुआ। पर गाइस इतने सारे फीचर मैंने आपको बता दिए और आज की वीडियो यार यही तक ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। साथ में यार ऐसे MIUI अपडेट्स के रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।